इट्स अ टिन हिट ट्रॉफी. सो पहले हम 0, 1, 2, 3, 4 करके 10 तक लाइन करेंगे, फिर हाफ हाफ इंचेस पे बीच में लाइन करेंगे. शोल्डर 1 से 1 होल हाफ के बीच में होगा, चेस्ट 1 होल हाफ से 2 के बीच में, वेस्ट 3 इंच में, हिप 4 इंच पे, नीज 6 पे एंड एंकल 9 पे एंड ऑल्सो फुट 10 इंच पे होगा. हम 1 सेंटीमीटर लेफ्ट एंड 1 सेंटीमीटर राइट लेंगे एंड फुल 1 इंच के बिटवीन हम एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं. शोल्डर बनाने के लिए हम एक स्लैंट लाइन लेंगे जो कि 1.5 इंच पर होगा. हमारा जो क्रॉकी है वो एक रैंप वॉक के लिए है, तो इसका एक शोल्डर आगे की तरफ और एक शोल्डर पीछे की तरफ होगा, इसलिए हमारा एक शोल्डर ऊपर और एक शोल्डर थोड़ा नीचे झुका हुआ होगा. हमारा जो जिस साइड का शोल्डर पीछे की तरफ होगा उसका हिप हमारा आगे की तरफ होगा, यानी कि वो ज़्यादा कर्व होगा एंड जो हैंड आगे की तरफ होगा उसका हिप कम कर्व होगा. और रनवे पोज हमेशा चलने के पोज में होता है, इसलिए हमारा एक लेग पीछे एंड एक लेग आगे रहेगा. फाइन करने के लिए हम एक फाइन टिप पेन से इसके सभी साइड्स को अंडरलाइन कर देंगे ताकि वो हमारा हाईलाइट करे कि हम कहाँ कहाँ पे हमने लाइन किया है. Thanks for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe it.